ये कथा है संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। उनके पिता का नाम रोही था। रविदास जी बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। रविदास जी एक महान संत, कवि और समाज सेवक थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में सन 1377 में हुआ था। तो इसी प्रकार से संतों के संत रविदास जी महाराज जी की एक छोटी सी गाथा पेश की है। रविदास भाई, आज तो तू ही बाजी देगा। हाँ भाई, दे दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बाजी यही मारेगी। ठीक है, हाँ चलो खेल स्टार्ट करते हैं, शुरू करो। ठीक है भाई। डाइन पहले किसकी रहेगी? इसकी है ना? डाइन भाई। रेदास, एक बाजी तो तूने मेरे पे चढ़ा दी, अब एक और बाजी दे दे तू। ठीक है भाई। नहीं रामा भाई, मैंने तुझ पे दो बाजी चला दी। दास भाई, मैं तेरी बाजी कर दूंगा, मेरे पिताजी इंतजार कर रहे हैं। अरे सुन तो, सुन तो। अरे दास भाई, क्या हुआ यार? रामा ने बाजी नहीं दी और वो भाग गया। अरे दास भाई, रामा कल भी आएगा, कल ले लेना उससे अपनी बाजी। ठीक है? ठीक है भाई, घर चलता। रामा तो आए नहीं, अब मेरी बाजी कौन देगा? चला उसके घर ही चलते हैं। ठीक है भाई, आओ। ए भगवान, ए भगवान, मेरा एक ही तो सहारा था, वो भी आपने छीन लिया। अब हम जीकर क्या करेंगे भगवान? मेरे बेटे रामा, 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 उठ मेरे बच्चे, उठ रामा, तेरे बिना कौन है हमारा सहारा? भगवान, मैं तो सुबह शाम आपकी पूजा करता हूँ और पंडित होने के सारे फर्ज में निभाता हूँ, ये मेरे साथ तुमने क्या किया? रामा, रामा, रामा। बेटा रेदास, रामा तो हमें छोड़ के चल गया, अब किसके साथ खेलोगे तुम लोग? चल भाई खड़ा हो, मेरी बाजी कौन देगा? रेदास, चल भाई रेदास, मैं तेरी बाजी लूंगा। चल भाई। हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है? मेरा रामा बिल्कुल ठीक है, देखा आप लोगों ने, मेरा रामा बिल्कुल ठीक है, मेरा रामा बिल्कुल ठीक है। वाह, चल बेटा रेदास, चल तुझे घुमा के लाऊंगी। सरोज बीबी, राम राम। राम राम, राम राम कहते हैं, मुझे नहीं दिख रहा था। हाँ।
बीबी मुझे दिखता तो है नहीं, भगवान का भजन से अलावा कुछ नहीं है मुझ पे, तो मुझे दिखता नहीं है, भजन ही भजन करती रही हूँ। ये भी बढ़िया काम है, भगवान का भजन तो कर रही है। कुछ नहीं करना बीबी, ये बच्चा कौन है मुझे तो दिखता नहीं, कौन है ये बच्चा? ये मेरा लाडला पोता है दास, इसी के सारे टाइम काट रही हूँ मैं तो। बढ़िया है बेटी, इसका तो उम्र पाल लगावे भगवान। अच्छा बीबी, राम राम। राम राम, राम। चलूँ अब मैं, फिर आऊंगी। कौन है? अरे मुझे क्यों दुखी करे, कौन है, क्यों मजाक करे मुझसे? अम्मा आप खुद ही देख लो। बेटी मुझे तो दिखने लगा तू तो कौन है तू तो? आजा मेरे बेटा, कहाँ गया था तू रे दास? दीदी राम राम। राम राम सरोज। अरे कैसे दे, तुझे तो दिखे ना। हाँ अरे बहन, ये तो भगवान है भगवान, ये बच्चा गया जब से मुझे दिखन लगा। ये भगवान ना है तो मेरा पोता है, पर इस पर भगवान की अति कृपा। ये पेड़ रूप और ये सब दिख रहा है, मेरी तो भट्टा से आंखें खुल गई, मुझे तो खूब दिख रहे हैं, निरे ठाड़े हैं, निरे ठाड़े हैं, मुझे तो दिख रहा निरा। और इस तरह से रैदास जी पर भगवान की कृपा बढ़ती चली गई और उन्होंने बचपन से जवानी में कदम रखा। अब रैदास जी को भक्त जन संत रविदास जी पुकारने लगे। संत रविदास का विवाह लोना से हो गया। लोना बहुत ही सुशील और भगवान में आस्था रखने वाली औरत थी। लो भगवान दवाई पी लो, लो ले लो, कोई नहीं दवाई बनाई है तुम्हारे लिए। क्या फायदा है इन दवाइयों का, ये दवाई कुछ असर तो कर नहीं रहे, लगता है मेरे जाने का समय आ गया। तू चिंता मत कर, मैंने पंडित जी को बुलाया है, जरूर कुछ ना कुछ उपाय निकल आएगा। क्या उपाय निकलेगा जी, अब तो हिम्मत टूट गई, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं बचूंगी। ये सब छोड़ो, अब तुम ये दवाई ले लो। लाओ जी, आप जिद करते हो तो मैं दवाई पी लेती हूँ। पंडित जी राम राम। राम 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 राम। अब बताओ पंडित जी को कैसे याद करा, पंडित जी तो आलिया नहा धोके। पंडित जी मैंने सारे इलाज करा लिए पर इनको आराम नहीं लग रहा, मेरी घरवाली का एक बार हाथ देख दो। हाँ हाथ देखने का ही तो काम है हमारा,
और हाथ ही देख, खून में हाथ धो के अल्लाह दिखा। ओहो अरे तो ना सुया पड़ा, ये तो सन्नी बिगड़ा पड़ा। आराम कहां था होगा, ये तो सुकर भी बैठ गया इसमें। इसके लिए तो तुम्हें बहुत उपाय करने पड़ेंगे। पंडित जी आप उपाय बताओ, मैं करूंगा। हैं? हवन करवाना पड़ेगा, गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ेगा और पंडित जी को 11 रुपए और एक जोड़ी लत्ते देने पड़ेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, मैं पैसों का जुगाड़ करके आपको बताता हूँ। अधिके अब पैसों का जुगाड़ तावड़ी करिए, शनि बहुत भारी पड़ रहा, अब कभी इसका राम नाम सत्य हो जा और फिर ढूंढता फिरे, तुझे सपने में भी दिखाई ना दे, ना दे के। अब मैं चलूं। ठीक है पंडित, राम राम। इतने पैसों का इंतजाम कहां से करोगे जी? तू चिंता मत कर, मैं सब कर लूंगा। आरती? हाँ बहन आ जा। तैने बुलवाया मुझे? हाँ वो कुछ काम था। हाँ बताओ क्या काम था? बहन मैंने सारे इलाज करा के देख लिए, मुझे कहीं आराम नहीं लग रहा। मैंने सुना है रविदास जी जो जल देते हैं उससे बीमार ठीक हो जाते हैं, तो एक काम कर रविदास जी को मेरे घर भेज दे, क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊं। ठीक है बहन, वे शाम को घर आएंगे, मैं उन्हें बता दूंगी, तू चिंता मत कर, तुम्हारे घर भेज दूंगी। ठीक है बहन, मुझे यही विश्वास था। ठीक है बहन, राम राम। राम राम। जय गंगे मैया। लोना सफाई हो गई? स्वामी आ गए आप? हाँ लोना मैं आ गया। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हाँ अगर भोजन तैयार है तो ले आओ। स्वामी आपको एक बात और बतानी है, वो आरती है ना वो बहुत बीमार है, उसे आप एक बार देखे आओ। अच्छा वो इतनी बीमार है? स्वामी भोजन तो करते जाओ। नहीं लोना मैं भोजन बाद में करूँगा, तुम भोजन कर लेना। स्वामी ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपसे पहले भोजन किया हो? ठीक है लोना तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जल्दी वापिस आता हूँ। ठीक है स्वामी। जय गंगे मैया, 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 जय गंगे मैया। अरे रविदास जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम, ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ तुझे? रविदास जी मैंने सारे इलाज करा के देख लिए, मुझे कहीं आराम नहीं लग रहा, लगता है अब तो मेरे जाने का समय आ गया। ऐसा मत कहो बिटिया, गंगा मैया सब भला करेगी, तुम चिंता मत करो। रविदास जी बस आपको इसी उम्मीद से यहाँ बुलवाया है। गंगा मैया तुम्हारी ये उम्मीद जरूर पूरा करेगी बिटिया। जय गंगा मैया। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। लो बिटिया थोड़ा जल पी लो। बिटिया अब तुम सुबह तक पूरी तरह ठीक हो जाओगी। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया।
देख लिया, मैंने पहले ही कही थी कि इसका उपाय करवा लो, नहीं तो या नहीं बचने की। हो गया ना राम नाम सत्य, उस रविदास के चक्कर में आ गए, पता नहीं कौन सी दवाई पिया गया, उस रविदास की वजह से इसकी जान गई। गांव वालों सुन लो, तुम भी रविदास के चक्कर में आके इसकी जान गई, अब बचा ले इसके प्राण, मंगा ले भगवान से उल्टे, अगर आ जा तो नहा धोके। हां पंडित जी सही कह रहे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। स्वामी क्या हुआ लोना, क्यों परेशान हो? आप आरती के घर गए थे ना जल पियाने, वो भगवान को प्यारी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता लोना, भला गंगा मैया किसी के प्राण कैसे ले सकती है? ऐसा ही हुआ है स्वामी, और वो पंडित उसकी मौत का जिम्मेदार आपको बता रहा है। देखो लोना, मुझे पूर्ण विश्वास है गंगे मैया किसी के प्राण नहीं ले सकती, आओ चलो मेरे साथ। जय गंगे मैया, 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 जय गंगे मैया। हे भगवान, इसकी जगह मुझे उठा लेते। उठा लेगा, अब फिर बुला ले रविदास को, इब का तजे उठा लेगा, उसकी वजह से ही गए इसके प्राण, और तेरे भी चले जाएंगे, और नहा धोके। अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसकी मौत का जिम्मेदार रविदास है, रविदास नहा धोके। ऐसा क्यों कह रहे हो पंडित जी, भला मैं इसकी जान क्यों ले सकता हूँ? अब कसरी कौन सी छोड़ी, अब मुझे नू बता दो, इसे दवाई कौन सी पिलाई जो इसका राम नाम सत्य हो गया नहा धोके। आप तो काफी समझदार हो, भला मैं कौन सी दवाई दे सकता हूँ? मैंने तो इसे खाली थोड़ा सा गंगा जल पिलाया था। गंगा जल ना पिलाया रविदास, तन्ने इसे जहर पिलाया, जहर। इसकी मौत का जिम्मेदार तू है नहा धोके, तू इसके घर की खुशी नहीं देखना चाहता। ऐसा मत कहो पंडित जी, भला मैं इसे जहर क्यों पिलाऊंगा? देखो गाँव वालों कैसे सफाई दे रहा है, इसकी जान लेके भी इसे सबर नहीं है, ये अभी कुछ और चाह रहा है। ठीक है पंडित जी, अगर आपको लगता है इसकी प्राण मैंने लिए हैं, तो इसकी प्राण वापस भी मैं ही लाऊंगा। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। आरती तू ठीक होगी? जय गंगे मैया रविदास जी। जय गंगे मैया, चलो। जय गंगा मैया, जय गंगे मैया, सबका भला करी। तो लोना, जिस वक्त सीता जी राम जी से जिद करने लगी कि प्रभु मुझे तो यही हिरण चाहिए, यही सोने का मृग चाहिए। अच्छा स्वामी। तो राम जी ने सोचा कि सीता जी की जिद तो पूरी करनी पड़ेगी ही, तो वो अपना धनुष बाण उठाकर वनों की तरफ चल दिए। जैसे ही वो कुछ दूरी पर चले तो सीता जी को चिल्लाने के चीखने की आवाज आई। तो सीता जी ने सोचा हो ना हो राम जी किसी संकट में घिर गए हों, उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी से बोला कि अपने भाई की रक्षा के लिए पहुंचो। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो साक्षात ठगुराई है, उन्हें कोई संकट नहीं घेर पाएगा, आप चिंता मत करो। परंतु सीता जी जिद करने लगी कि लक्ष्मण जी शायद तुम अपने भाई से प्यार नहीं करते। तो उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और झोंपड़ी के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अच्छा, और सीता जी से कहा कि सीता मैया आप इस लक्ष्मण रेखा को बिल्कुल उल्लंघना मत। अच्छा स्वामी। परंतु सीता जी ने उस बात को भुला दिया और वहां
साधु का वेश बनाकर रावण आ गया तो सीता जी उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर कुछ फल लेकर आई। उनसे कहा ये फल आप ले लीजिए। तो रावण ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उन्हें आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी। तभी सीता जी को लक्ष्मण जी की बात याद आ गई और रावण से कहा कि आप ये फल ले लीजिए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। जैसे ही रावण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में बहुत जोर से झटका लगा। तो लोना रावण ने कहा देखो माई, अगर हमें भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर हमें भिक्षा दो, वरना हम भिक्षा नहीं लेंगे। तो सीता जी ने सोचा साधु संत है, कोई बात नहीं, इसको भिक्षा मैं इस रेखा को पार करके दे देती हूँ। जैसे ही सीता जी ने रेखा पार की तो रावण ने तुरंत अपना भेष बदलकर सीता जी का हरण कर लिया। अच्छा स्वामी, तो लोना हमें इससे ये सीख मिलती है औरत को हमेशा अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए। जय गंगे मैया। आप ठीक कह रहे हो स्वामी। प्रणाम रविदास जी। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। अब कैसी तबीयत है आरती? जय गंगे मैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। लोना जी। स्वामी आरती को अंदर ले जाओ और इन्हें कुछ भोजन कराओ। जी स्वामी। चलो आरती। बैठो भाई। बताओ भाई, आज हमारी कुटिया में कैसे आना हुआ? रविदास जी, आपने मेरी पत्नी के प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे भाई, मैं किसी के प्राण बचाने वाला भला कौन होता है? ये सब गंगे मैया की कृपा है। जय गंगे मैया। रविदास जी, मुझे भी थोड़ा भक्ति का ज्ञान दे दो, मैं भी इस मोह माया से थक चुका हूँ। अरे भाई, मैं भला ज्ञान देने वाला कौन होता हूँ? बस सुबह शाम गंगे मैया का जाप किया करो, गंगे मैया सबका बेड़ा पार करेगी। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। हर हर गंगे। जय गंगे मैया। रविदास जी प्रणाम, नहा धोके। अरे पंडित जी प्रणाम प्रणाम, आओ बैठो। हाँ बैठेंगे तो है ही। और आज पंडित जी कहाँ की तैयारी है तुम्हारी? रविदास जी, इस खुट-खुट में लगे रह करो, नहा धोके अब मेरे साथ हरिद्वार चलो, तो मैं गंगा जी नुहा के लाऊंगा। अरे पंडित जी, ये ठुक ठुक तो हमारा कर्म है, और अपने ऐसे भाग्य कहाँ जो गंगा मैया हमें बुलाए। रविदास जी कैसी बात कर रहे, भला गंगा मैया तो मैं कौन सा मना कर रही, नहा धोके। अगर आप गंगा जी जा ही रहे हो तो मेरा एक काम कर देना। रविदास जी आपका काम क्यों नहीं करेंगे, आपका काम तो जरूर करेंगे हम, नहा धोके। ये मुद्रिका गंगा मैया को दे देना, पर हाँ एक शर्त है। हाँ हाँ रविदास जी, आप शर्त बताओ, आपकी हर शर्त मानी जाएगी, नहा धोके। देखो पंडित जी, अगर गंगा मैया मेरी मुद्रिका खुद हाथ फैला के ले, उन्हें ये मुद्रिका तभी देना। गंगा मैया और तुम्हारी ये मुद्रिका हाथ फैला के लेगी? हाँ हाँ पंडित जी, अगर मेरी मुद्रिका गंगा मैया ने हाथ फैला कर नहीं ली तो मुझ गरीब रविदास की ये मुद्रिका वापिस ले आना पंडित जी। लाओ रविदास जी। अच्छा मैं चलता हूँ नहा धोके। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। हाँ याद आया, गंगे मैया आपका एक भक्त है संत रविदास, उसने आपके लिए ये मुद्रा भिजवाई है, आप इसे स्वीकार करें। मेरे भक्त ने मेरे लिए मुद्रिका भिजवाई है? हाँ गंगे मैया, ये लो ये लो। पंडित जी, मेरी तरफ से ये भेंट मेरे भक्त रविदास को दे देना। जी गंगे मैया, जी गंगे मैया, जी गंगे मैया।
सोने का कड़ा। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। तेरा पति जी, ऐसा कड़ा आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, ये बड़ा ही बेस कीमती कड़ा है। हाँ पंडित जी, वो तो मैं देख रहा हूँ, कड़ा तो वाकई अलौकिक और कीमती है। सेनापति जी, थोड़ा सा इस पंडित जी का भी ख्याल कर लो, नहा दोगे? हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, आपका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये कड़ा मैं महाराज को दूंगा, और महाराज जब महारानी को देंगे तो बहुत ही खुश होंगे। हाँ सेनापति जी, जब महाराज इस कड़े को देखेंगे तो बड़े ही खुश होंगे। सेनापति जी, मेरा ख्याल रखना नहा दोगे? हाँ हाँ, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, मैं अपना भी तो ख्याल रखूंगा। पहले महाराज मुझको माला माल करेंगे, और फिर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। सेनापति जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, नहा दोगे? अरे पंडित जी, ये भी कोई बात है, आप चिंता मत करो, बस महाराज को जंगल से आ जाने दो, और फिर महाराज के आते ही मैं ये अलौकिक और बेशकीमती कड़ा महाराज को दे दूंगा। अच्छा सेनापति जी, मैं चलता हूँ, नहा दो के प्रणाम। ठीक है ठीक, प्रणाम। पंडित समझ रहा था कि मैं ही माला मालूं, पंडित से पहले तो मैं अपना ख्याल रखूंगा। प्रणाम सेनापति जी। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम, मुझे तुम्हारा इंतजार था। कहिए सेनापति जी, इस गरीब पंडित को आपने कैसे याद किया? पंडित जी, मैंने कड़ा महाराज को दिया, और महाराज ने वही कड़ा महारानी को दिया। महारानी उस कड़े को देख के बहुत ही खुश हुई। लेकिन 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 क्या पंडित, और महारानी की इच्छा है कि मुझे दूसरा कड़ा चाहिए, कि वही दूसरा वाला कड़ा चाहिए मुझे। सेनापति जी, ऐसा कड़ा तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही था, और वो मैंने आपको लाकर दे दिया नहा दोगे? ये क्या कर रहे पंडित जी, कड़ा एक नहीं होगा, कड़ा दो होंगे, जोड़ा है कड़े का, और महारानी की इच्छा है कि मुझे दूसरा कड़ा चाहिए, और यदि महारानी को वो कड़ा नहीं मिला तो महाराज मुझको मृत्यु दंड देंगे, और मैं अकेला सूली पे नहीं चढ़ूंगा, साथ में तुमको भी चढ़ाऊंगा। सेनापति जी, सेनापति जी, मुझे बचा लीजिए नहा दोगे? मैं दूसरा कड़ा कहां से लाऊं? अरे पंडित जी, अब तो एक ही समाधान है। बताइए बताइए सेनापति जी, बताइए समाधान, बताइए। जहां से तुम वो कड़ा लेके आए हो, दूसरा कड़ा भी लेके आओ, और मुझे ही बचाओ, और अपने आप को भी तुरंत से बचाओ। सेनापति जी, मैं वहां से कड़ा कैसे ला सकता हूँ, नहा धोके? अरे कमबख्त बेकूफ, जैसे पहले लाया था कड़ा ऐसे ही ले गया, अब यहाँ पे बैठ के मेरा मुंह मत देख, अब बहुत जल्दी जा और दूसरा कड़ा लेके आ, वरना मृत्यु दंड के लिए तैयार है। हे भगवान, ये तुमने मुझे किस संकट में डाल दिया, अब मैं उसके जैसा दूसरा कड़ा कहां से लाऊं नहा धोके? इस संकट से बचने का बस एक ही उपाय है, बस दूसरा कड़ा लेके आओ। ठीक है सेनापति जी, मैं कोशिश करता हूँ। प्रणाम
नहा धो के। हाँ हाँ प्रणाम। अब पंडित अपनी जान बचाने के लिए दूसरा कड़ा लेके आएगा। क्या करूं क्या करूं, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई और बीच में इस पंडित की दवाई नहा धो के, क्या करूं। हाँ ऐसा करता हूँ, रविदास जी के पास जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। अब इस समस्या का वो ही कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। ठीक है स्वामी, भोजन कैसा बना है? लोना, तुम्हारे हाथ का बना भोजन खाकर जो आनंद मुझे प्राप्त होता है वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। रविदास जी। अरे पंडित जी उठो। अरे उठो, क्या बात हुई पंडित जी? रविदास जी मुझे एक समय कर दो। क्या संकट आ गया पंडित जी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रविदास। अरे क्या गलती हो गई पंडित जी, बताओ। रविदास जी, आपने जो मुद्रिका मुझे दी थी वो गंगा मैया ने हाथ फैला कर ली और उसके बदले मुझे एक कंगन दिया। मुझे लालच आ गया और वो कंगन मैंने सेनापति को दे दिया। वो उसी तरह का दूसरा कंगन मांग रहे हैं। मैं कहां से लाकर दूं? मुझे इस दुविधा से निकालो रविदास जी। लालच बहुत बुरी चीज है पंडित जी। अगर तुम्हें वो कंगन रखना ही था तो रख लेते, पर कम से कम मुझे तो बता दिया होता। चिंता मत करो पंडित जी, मैं तुम्हारे लिए गंगा मैया से ऐसा ही दूसरा कंगन मंगवा दूंगा। रविदास जी, ऐसा ही मुझे दूसरा कंगन मंगवा दो, नहीं तो सेनापति मुझे मृत्यु दंड देगा। मेरी जान बचा लो रविदास जी, मेरी जान बचा लो। हे गंगे मैया, आज पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज पंडित जी के प्राण संकट में हैं। मुझे इनके प्राण बचाने के लिए माँ दूसरा कंगन लाकर दो। दो ना माँ, दो दर्शन दो माँ गंगे, दर्शन दो माँ। रविदास पुत्र बताओ मुझे कैसे याद किया? माता आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानती। आपने जैसा कंगन पंडित जी को मेरे लिए दिया था, आज मुझे ऐसे ही दूसरे कंगन की जरूरत है। मैं जानती हूँ पुत्र। जय गंगे मैया। पुत्र रविदास, दूसरा कंगन तुम्हारी कठौती में है, हाथ डालो और निकाल लो, अब मैं चलती हूँ। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। लो पंडित जी, और अपने प्राणों की रक्षा करो। रविदास जी, आज आपने मेरे प्राण बचा लिए। जय रविदास जी, जय रविदास जी। तो इसी प्रकार से संतों के संत रविदास जी महाराज जी की एक छोटी सी गाथा पेश की है। आओ भक्तो तुम्हें सुनाओ कथा में चारों धाम की, ज्ञान और गुण के सागर हैं संत गुरु रविदास जी, संत गुरु रविदास जी। आओ भक्तो तुम्हें सुनाओ कथा में चारों धाम की, ज्ञान और गुण के सागर हैं संत गुरु रविदास जी, संत गुरु रविदास जी।
जब जब धरती पे पाप बढ़ा, जब जब अत्याचार हुआ, तब तब इस धरती पे भक्तों संतों का अवतार हुआ। दुष्टों ने आकर जब भी शुभ कर्मों का नाश किया, तब इस धरती पे भक्तों एक बालक रविदास हुआ। समय विकर्मी माघ पूर्णिमा रविवार को जन्म हुआ, इसीलिए रविवार के नाम से रविदास नामकरण हुआ, रविदास नामकरण हुआ। ज्ञान हुआ जब गीता का, गुण ज्ञानी फिर कहलाया, सारे गांव को उसने फिर भक्ति क्या है बतलाया। जिधर भी देखो रविदास की जय जयकार सुनाई दी, हर एक गांव के वासी ने प्रभु भक्ति दिखाई दी। जन जन की फिर सेवा कर भेद सारा ही मिटा दिया, हर एक गांव वासी को प्रेम भावना सिखा दिया, प्रेम भावना सिखा दिया। पिता ने देखा रविदास पे जब गृहस्थी का ना असर पड़ा, एक छोटी सी दुकान खोल दी, जब घर का ना खर्च चला, भक्ति को ना छोड़ सका, पिता ने लाखों जतन किए, रविदास को अलग किया, रिश्ते नाते खत्म किए। एक छोटी सी झोंपड़ी में मियां बीवी रहने लगे, प्रभु भजन मिलके वो दोनों हर पल हर क्षण करने लगे, हर पल हर क्षण करने लगे। सब कुछ छोड़ा रविदास ने पर भक्ति ना छोड़ सका, हार गया राघव पिता भक्ति जब ना तोड़ सका। हर पल भक्ति में रमा रहा, भक्ति उसकी निराली थी, मन में अमूल्य ज्ञान भरा था, जेब भले ही काली थी। कुछ ही दिनों में रविदास का गांव गांव में नाम हुआ, सारी दुनिया पूजे उसको, सबके लिए अवतार हुआ, सबके लिए अवतार हुआ। मोह माया की दुनिया में संत कमन नहीं लगता था, ज्ञान का सागर फैलाता था, ऐसा एक वक्ता था। बैठ दुकान में रविदास जी प्रभु के ही गुण गाते थे, आते जाते लोगों को बस ये बात सुनाते थे। उसका नाम ही सबसे बड़ा है, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसके बिना कुछ भी हो जाए ऐसी कोई अनहोनी नहीं, ऐसी कोई अनहोनी नहीं। जब भक्ति से हटने लगा रविदास का मन भक्तो, चिंतित था ये सोच के वो बोला भगवन दर्शन दो। एक रात फिर रविदास को प्रभु की ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई मूरत भक्तो भगवन की दिखाई दी।
बोले प्रभु रविदास तुम तो मेरे प्यारे भक्त हो, तेरा हर दुख दूर करूँगा, बतला दो जो कष्ट हो, बतला दो जो कष्ट हो। बोले प्रभु रविदास सुनो, मैं जो तुमको धन दूंगा, बात ये मेरी मान लो, चिंता को मैं हर लूंगा, अपने लिए एक काशी में जाके तू मंदिर बनवा, भूखे लोग गरीबों के लिए तू अब लंगर लगवा। रविदास ने हाथ जोड़ के भगवान जी को प्रणाम किया, जैसा भगवान ने बोला था वैसा ही उसने काम किया, वैसा ही उसने काम किया।